हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज फिर स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो कि होने वाली है ओडमार की। और सबसे पहला कमेंट था संगीता जी का और उसके बाद दो कमेंट मेरे को आए जो कि गेम प्ले की तरफ से थे और MD फैज़ान की तरफ से थे जो कि माइनक्राफ्ट खेलने के लिए मेरे को कह रहे थे। बट उसकी चीज़ मैंने डाली हुई है, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी वो कम कर दी थी। बट अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं जो है ज़रूर से करूँगा, तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना आप सभी। Bewildered by the sight of Odmar's newfound powers. Would these powers help Odmar redeem himself as a Viking? Perhaps Odmar could become a great warrior just as his friend Fasker was. But is destroying the forest the right thing to do? There was loud commotion in the crowd. Odmar! Roared the chief. You dare to bring this cursed magic to our village? This is a new low. Death on the battlefield is too noble a fate for you. Perhaps the Kraken should teach you a lesson at the bottom of the sea. You can't hide from the gods, Odmar! The chief bellowed as Odmar leapt away. The skies turned dark. Thunder struck. Suddenly, the villagers vanished. Odmar was shocked. Who took his people? Was it the gods? Why was he left behind? He had to find out. ओके भाई लोग, तो स्टोरी तो ख़त्म सी हो ही गई है। थोड़ा सा आइडिया जैसे कि आप सब ने देख लिया वैसे तो, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो विलेजर्स हैं शायद से वो कहीं गायब हो चुके हैं और उनको अब जो है ओडमार ढूंढने के लिए निकल चुका है। और देखते हैं क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन एडवेंचर गेम है तो काफ़ी मज़ा मेरे को आ रहा है इसको प्ले करने में। वैसे मैंने इसकी जो है अभी एक ही वीडियो डाली है, लेकिन एक तरीके से जो गेम होता है ना, मतलब जो फनी सा होता है और थोड़ा सा क्रिएटिव सा होता है ना, तो उसको काफ़ी जो है ज़्यादा ही मज़ा आता है। और काफ़ी सारे बंदों ने कमेंट भी किए थे, शायद वेद किंग भाई थे, उन्होंने भी जो है बताया था कि जो कार्टून वाला कैरेक्टर्स गेम है तो उसी वजह से। लेकिन हाँ, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, इतनी बुरे भी नहीं है यार। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, बुरे तो दूर की बात है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं मेरे ख्याल से तो। हाँ, लेकिन ये है कि जो एक तरीके से पेड गेम्स के हिसाब से ना, थोड़ा सा यार मेरे को लग रहा है कि इस टाइप के गेम्स, वैसे देखो अगर कोई भी कंपनी कोई गेम बनाती है तो भाई देखो उसको उसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि सब तरीके का है। देखो ऑनलाइन गेम्स में और मल्टीप्लेयर गेम्स में एक एक चीज़ और होती है गेम्स में, कि वहाँ पे आपके जो अर्निंग है वो बाद में जिस तरह रॉयल पास वगैरह हुए या कुछ अपडेट्स देने के साथ साथ वहाँ पे होती रहती है। लेकिन इस टाइप के गेम्स में आपकी अर्निंग जो है आपकी डाउनलोडिंग से ही होती है, और अगर वो प्राइस ना रखें तो शायद से कंपनी को लॉस भी होता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा प्राइस अगर रख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं रहती इस टाइप की गेम्स में। लेकिन मैं उनके लिए भी थोड़ा सा चिंतित रहता हूँ जिनके पास उतना भी नहीं हो पाता। भाई हम भी उन्हीं में ही हैं, तो उनके लिए तो जो है फ्री डाउनलोड करने का तरीका मैंने पहली वीडियो में बता दिया। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी जा करके उसे देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना इसके बारे में। और जो भाई ने आज माइनक्राफ्ट के बारे में मेरे को बताया, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको भी चाहिए तो मेरे को बता देना, क्योंकि देखो माइनक्राफ्ट बहुत ही बढ़िया गेम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं खेला भी हूँ उसको और काफ़ी मज़ेदार भी है, लेकिन चक्कर ये है ना कि काफ़ी टाइम पुराना गेम हो गया है और उस वजह से जो है लोग, काफ़ी सारी वीडियोस वैसे भी बनी हुई हैं तो लोग देखना पसंद नहीं करते अब उसके उस हिसाब से। बट अगर आप कहेंगे तो जो है मैं आपके लिए ला दूंगा। वैसे मैंने जो इसकी सीरीज स्टार्ट की थी और रिस्पॉन्स ज़्यादा ठीक ठाक रहा था, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई बेकार रहा था, ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा था उस वजह से, लेकिन फिर जो है सीरीज़ मैंने बंद कर दी थी। बट अगर आप कहेंगे तो फिर से मैं जो है डाउनलोड करके इसको प्ले कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे देखो भाई, ये तो पीछे ही पड़ गया मेरे। ओके, अभी मैं छोड़ता हूँ इन ट्रायंगल्स को, आगे निकलता हूँ इससे बचने के लिए। ओके, तो यहीं पे रुक गया गाइस। और पीछे की तरफ एक कॉइन है तो वो तो मेरे को लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो कॉइन्स आ चुके हैं और तीन हमें शायद से लेने हैं ये, और इसी के साथ में काफ़ी सारे ट्रायंगल्स। ओ नहीं 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 भाई, देखो मैं उसके ऊपर गिर गया और मेरी हेल्थ जो है इस बार मेरी हेल्थ कम क्यों नहीं हुई मेरे को समझ नहीं आया। तो अभी धीरे धीरे जो है सब क्लियर होता जाएगा। तो फिलहाल देखो यहाँ पे ये चीज़ है भाई, क्या फीसेस के अंदर, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इसका वेपन भी काफ़ी ख़तरनाक सा लग रहा है, यूनिक सा एक तरीके से आप देख रहे होंगे, कुल्हाड़ी टाइप, और काफ़ी मज़ेदार है। और ये क्या चीज़ है? ओके, ये मार के, अरे नहीं 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 मार तो यार उसको भाई, उसने मेरे को मार दिया यार। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं दोबारा से। और उस समझ नहीं आया कि उसने जो है काटा क्यों था, या इधर कुछ नहीं है, इधर जाना बेकार ही है, इधर से ही तो हम आए हैं, लेकिन वहाँ पे शायद मेरे को कुछ लग रहा था फिलहाल। तो यहाँ पे देखो भाई क्या चीज़ है, मेरे को भी नहीं पता, बट मेरा वेपन जो है इसके टाइम पे नहीं चला,
नहीं तो मैं जो है इसकी चटनी बना देता यहीं पे। और इधर ट्रायंगल आई है तो मैं ज़रूर से लूँगा। ओके तो यहाँ पे कुछ जो है नाव हैं और इन्हीं के तरीके जो है इन्होंने बनाया हुआ पज़ल। और ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और गेम प्ले खेलने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। देखो एक तरीके से जो मतलब इस टाइप के गेम्स होते हैं उनमें काफ़ी मज़ा तो रहता ही है। आप देख भी रहे होंगे कि कितना यूनिक सा कंसेप्ट है और इस तरीके के गेम जो हैं काफ़ी अच्छे चलते भी हैं और लोग पसंद भी करते हैं, खासकर बच्चे। बच्चे क्या, मैं तो बच्चा नहीं था उस हिसाब से, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी लोग जो है इस टाइप के गेम्स पसंद करते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार है। और एडवेंचर गेमों में तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मेरे को, और बहुत सारे हैं ऐसे। लेकिन अगर कोई और भी अच्छा गेम है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना इस बारे में, तो मैं जो है कोशिश करूँगा। फिर इसे जो है मेरी हालत खस्ता कर दी इसने भाई, तो इसको मैं जो है दोबारा पार कर देता हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि भाई अगर कोई अच्छा सा गेम और है तो वो जो है कमेंट करके बताएं दोस्त सभी मेरे कि एक गेम ये भी है इस तरीके से। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जो है अपने कमेंट जो है करते रहें और मेरे को सजेशन देते रहें। और एक बंदे का यार मेरे को कमेंट आया था शाउट आउट के लिए, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल उसका नाम भूल रहा हूँ, और शायद से नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं उसको ज़रूर से शाउट आउट दूँगा। उन्होंने भाई ने कहा था तो वो भी ज़रूरी है। फ़िलहाल जो है देखो इस तरीके से सीन क्या है कि भाई कुछ कमेंट्स जो हैं आते हैं, मैं रिप्लाई साथ के साथ देता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स के रिप्लाई जो है मैं थोड़ा सा जब मैं फ्री होता हूँ तब रिप्लाई कर पाता हूँ। तो सबको वैसे मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि देखो जितने अभी कमेंट ज़्यादा नहीं है तो इसी वजह से जो है सभी के रिप्लाई कर पाता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो रिप्लाई नहीं दे पाते, तो उसमें यार दिक्कत ये रहती है कि उनके पास कमेंट्स ना बहुत सारे आ जाते हैं, तो भाई किस किस को रिप्लाई दें वो भी एक मैटर हो जाता है। अगर वो इसी रिप्लाई के चक्कर में रह जाएँ तो भाई एक वीडियो बनाने में जो है आपको ये समझो 8-10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि फिर उसके कमेंट रीड करना, फिर उनके जो है जवाब देना, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो इस वजह से वो नहीं दे पाते। और शायद से अब तो एक ट्रेंड और चल रहा है जिस तरह Q&A वगैरह कर लेते हैं, तो जिस किसी के क्वेश्चन वहाँ होते हैं तो वो जो है Q&A में जो है उठा लेते हैं, जो कि जनरली एक तरीके से देखा जाए तो बहुत से लोगों के कॉमन सवाल होते हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है। लेकिन कुछ क्या हम भी ये सोचते हैं कि भाई किसी को हमने कमेंट किया है और किसी की वीडियो पे और वो हमें रिप्लाई नहीं देता तो अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन फ़िलहाल देखो यहाँ पे नाव काटने का ये सीन था और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन नहीं है तो शायद से ऊपर ही जाना पड़ेगा। वो ये तो यहीं से जंप कर गया। हाँ अब इसने जो है इसको काट दिया। तो ऐसा रहता है कि भाई सबके जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो है सबके जवाब दे पाऊँ। और आप सबका प्यार भी बहुत मिल रहा है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर पसंद आए तो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लेना। पहले चैनल को जो है रिव्यू करो, एक तरीके से देखो वीडियोज़, अगर पसंद आती हैं तभी जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन का आजकल बहुत ही बुरा सीन चल रहा है। और फिलहाल देखो घूमते फिराते हम जो है यहाँ पर अपनी स्टेज को कम्प्लीट कर दिए हैं और 156 जो हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं आई थिंक, और इसका बेस्ट हमारा यही है। और तीनों के तीनों जो हमने ये कॉइन भी ले लिया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, वैसे वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखी आज हमने, तो आई होप आपको ये पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Fuck off.